तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ आज किसान संसद का आखिरी दिन है। जी हाँ, 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं किसान दिल्ली की अलग अलग सरहदों पर बैठे हुए हैं, और ऐसे में ये जंतर मंतर पर ये ऐतिहासिक घटना जो है, ये किसान संसद पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि किसानों ने अपनी एक पैरेलल संसद यहाँ जंतर मंतर से 2 किलोमीटर दूर से ही जो है यहाँ से यहाँ पर लगाई थी। और आज इस जंतर मंतर पर लगी हुई इस किसान संसद का आखिरी दिन है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ इस किसान संसद में आखिरी दिन ये मोर्चा महिलाओं को संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, इससे पहले भी महिलाएं यहाँ आ चुकी हैं इस इतिहास को रचने के लिए, और आज एक बार फिर इस आखिरी दिन ये महिलाओं को सांसद बनाकर यहाँ इस किसान संसद में भेजा गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नारी शक्ति की बात करें, नारी सशक्तिकरण की बात करें, इस किसान आंदोलन में महिलाएं किसानों के साथ खड़ी रही हैं पहले दिन से, और बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट इसे हर एक तबके से मिला है इस किसान आंदोलन को। शायद यही वजह है कि यहाँ आज ये किसान आंदोलन 8 महीने तक चल पाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये जो है टी ब्रेक यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, 1 बज रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकैत जी के परिवार वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी बहू निकेता टिकैत भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है टी ब्रेक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। माता जी, थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे। शुरू से आप महिला शक्ति के तौर पर भी खड़ी रही हैं, आपने अपने धर्म पत्नी का भी जो है एक फ़र्ज निभाया है, और महिला के तौर पर भी आप यहाँ खड़ी रही हैं। आज हालांकि आखिरी दिन है, आज यहाँ पर अब किसान संसद जो है आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है जो किसानों ने ये फैसला लिया था यहाँ पर एक किसान संसद चलाने का, कोई इससे असर पड़ेगा या आगे जाकर कोई फ़ायदा होगा? असर भी पड़ेगा, फ़ायदा भी होगा, सारे काम होंगे इसमें। ये इसीलिए तो लगाई थी महिला संसद जी, पहले तो लगी नहीं होगी। आज लोग अधिक महिला संसद जी, ये मोदी के खिलाफ लगी महिला संसद जी। हाँ, अच्छा। जब मोदी किसी की सुनी नहीं रहा तो औरतों को तो आगे आना ही पड़ेगा, महिला संसद लगाना पड़ेगा। अच्छा माता जी, इसमें चाहे अच्छा हो किसान आंदोलन में या बुरा हो, सब चीज़ों का जो ठीकरा है वो राकेश टिकैत जी के सर पर ही फोड़ दिया जाता है। अब राकेश जी लखनऊ गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर एक हुंकार भजी जो है भरी है। आपको लगता है कुछ फैसला बदल पाएंगे? अब कहीं कहो, हम क्या इलेक्शन लड़वा रहे, चाहे हम लड़ रहे इलेक्शन, चाहे हम हरवा रहे जितवा रहे किसी को, ये तो पब्लिक की बात है। अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, वो सब जनता की बात है। हम क्या किसी को जितवा रहे या हम हरवा रहे किसी को। अच्छा माता जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर लव जिहाद, राम मंदिर और गौ रक्षा जैसे कई मुद्दे हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं। क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों को नकार कर वहाँ की जनता किसानों का साथ देगी और वहाँ पे चुनावों को बदलने में साक्षात आ कुछ कर पाएगी? हाँ करेगी, पब्लिक तो जिधर हो ले उधर ही वो कर दे, जिता दे उसे जी सब जिताना हो। मोदी जिता दिया था, योगी जिता दिए थे जी। ठीक है, और अब देख लेंगे। हम हरवाने जितवाने की तो किसी की बात नहीं कर रहे, मेरे पति जी ने मोदी की वोट दी थी, अब अपनी वोट का सबको अधिकार है। वे हर उसमें कहते हैं कि मैंने सरकार को वोट दे रखी, और जिस वोट दे रखी सरकार सुनेगी नहीं तो क्या करेगी, सुनना तो सरकार को ही पड़ेगा। अच्छा माता जी, आप खुद नारी शक्ति की एक जो है पहचान है। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में एक छोटी सी 9 साल की दलित बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, वो भी वहाँ शमशान घाट के पुजारी के द्वारा। और ऐसे में सारी सरकारें जो हैं चुप हैं, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है उसके माता पिता का, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? बहुत दुख की बात है जो 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम करा, उन्हें तो साथ की साथ ही पकड़ कर गोली मार देनी चाहिए, नहीं तो फांसी का हुक्म 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसका शर्मनाक तो कुछ भी बात नहीं है सरकार के लिए, अभी कहाँ सॉरी सरकार। 9-9 साल की बच्चियों के साथ, 8-8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा, फिर उसे मार रहे, फूंक रहे, जला दें उसका चेत जला दिया, उसकी पोस्टमार्टम भी सही नहीं हुआ, तो सरकार तक कहाँ सॉरी सरकार। ये तो सरकार निकम्मी हो रही, सरकार की सारी गलती क्यों नहीं पकड़वा, क्यों फांसी का हुक्म नहीं देती, सरकार के हाथ में सब कुछ है।
क्यों नहीं उन्हें फांसी का हुक्म देती, और नहीं तो साथ की साथ ही गोली मार दिया, पीछा छूटा। एक जगह मारी तो थी, गोली मारी थी, निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसकी माँ 7 साल तक दरवाजे खटखटाती रही, खटखटाती रही, चलो सब मिल गया, न्याय मिल गया। तो बहुत लड़की आए, एक निकिता चौधरी की क्या गलती थी, बच्चियों को तो ये भी नहीं पता रहता कि हमारे साथ कौन है, क्या होने वाला हमारे साथ, ये तो अपने काम पे जा रही थी, पढ़ी लिखी बच्ची थी, तो उसकी क्या गलती थी। अब अंत में आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन आखिर और कितने लंबी जो है ये जंग, ये लड़ाई चलती रहेगी? जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये थोड़ा ही है कि किसान हटके चले जाएंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा, किसान हटके यहाँ से नहीं जाने के, 8 महीने हो गए, 8.5 महीने किसान सड़क पर बैठे, यूँ ही थोड़ा ही चले जाएंगे, अब किसान यूँ ही चले जाएंगे, सरकार को सुननी पड़ेगी। बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थी सुनीता टिकैत जी, और साथ ही में यहाँ पर हमारे साथ निकिता टिकैत जी भी हैं, जो कि राकेश टिकैत की बहू भी है। आप भी इस आंदोलन में शुरू से अपने परिवार का साथ देती आ रही हैं, नारी शक्ति का आप युवा चेहरा हैं। आपने अभी सुना दिल्ली में जो एक छोटी बच्ची के साथ हादसा हुआ है, ऐसे में सरकार कोई साथ नहीं दे रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगी? तो ये तो प्रशासन से पूछने वाली बात है ना कि क्या कर रहा था भाई, इतने वो कहते हैं कि कहीं भी घूम सकती हैं, बच्चियां इतनी सेफ हैं, अब तो योगी जी पे सवाल उठेगा ना इसमें, किसानों से इस बारे में किसानों क्या बताएंगे, हमें तो इतना दुख होता है जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते, सुरक्षा की बात तो ये देते हैं ना, तो ये बात तो मोदी जी से सवाल करो जाके कि कहाँ थे उस टाइम, प्रशासन क्या कर रहा था। और किसान आंदोलन की अगर बात करूँ कि आज आखिरी दिन है, आपको लगता है किसान संसद से अब आगे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत पड़ रहा, लेकिन अब ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि अपना सरकार पना भैया ये सत्ता में थोड़ा सा दिखाएंगे सरकार, असर तो इतना पड़ रहा, एकता में इतनी ताकत होती है, सरकारें हिलती भी हैं और गिरती भी है, सारे काम होते हैं, पर लगेगा टाइम थोड़ा सा। आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आपका साथ देगी? क्यों नहीं देगी जनता साथ, अगर जनता को अपनी आने वाली नस्ल और फसल बचानी ना, साथ भी देगी, खड़ी भी होगी, आंदोलन भी करेगी, सारे काम करेगी।